back to my channel. So today's tutorial is all about how to change the background of your photo. So मेरे बहुत सारे friends ने मुझे पूछ चुके हैं कि मैं अपना Instagram में जो भी photos डालती हूँ उसका background कैसे. बहुत कुछ सोचता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़का वाला कुछ करना पड़ता है, like laptop वगैरह, बहुत सारे application, ढेर सारा time लेके बैठू, फिर जाके edit करूँ. But trust me, ऐसा कुछ नहीं है. बस इसके लिए आपको चाहिए होगा एक glass patience और एक glass time. मेरे इस video को end तक देखने के लिए. सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको गूगल में जाके आप जो भी फोटो अपने बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लेना है. जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से बहुत सारे फोटोज डाउनलोड कर रखी थी. तो देन आपको अपना पिक्सआर्ट ओपन करना है और वहाँ पे अपनी गैलरी में जाके आप जो भी फोटो अपना एडिट करना चाहते हैं उसको इम्पोर्ट कर लेना है. जैसे कि यहाँ पे मुझे अपना ये वाला फोटो एडिट करना है, सो मैं इसको इम्पोर्ट कर ली. देन यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा ऐड फोटो बोल का ऑप्शन आएगा. आप ऐड फोटो में क्लिक करने से जो भी फोटोज आप पहले से डाउनलोड करके रखे थे उसको सिलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. देन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके फोटो के हिसाब से और जो ओपेसिटी है उसको बिल्कुल कम कर दीजिएगा तो आपको इरेज करने में ईजी होगा. इरेज बटन में क्लिक करके आपको अपने आप को इरेज करना है. थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट अगर चाहिए होगा कुछ भी तो पेशेंस जरूरी है. या वन मोर थिंग, वहाँ पे आपको स्टिकर बोल के एक ऑप्शन दिखेगा. आप अगर स्टिकर में जाके सर्च ऑप्शन में जाके अगर आप बैकग्राउंड बोल के लिखेंगे तो आपको ढेर सारा बैकग्राउंड फोटोज मिल जाएगा. आप वहाँ से डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड को. और वहाँ पे इरेज बटन में क्लिक करने से बैकग्राउंड का जो ऑप्शन आएगा अगर वो क्लिक करेंगे तो वो ऑटो इरेज हो जाएगा. बट आप जब ऐड फोटो में जाके ऐसे बैकग्राउंड एडिट करना चाहेंगे तो आपको खुद ही से इरेज करना पड़ेगा. हाँ, सो इरेज करते वक्त अगर आपको मतलब इधर उधर हो जाएगा ऑब्वियसली तो आप वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रिस्टोर का ऑप्शन है, आप रिस्टोर में क्लिक करके आप उसका एडजस्ट कर सकते हैं. इसलिए हो गया लगभग. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. आप के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है इफेक्ट्स अपने फोटो में डाल सकते हैं. जैसे कि ये सेकेंड वाला मेरा सबसे फेवरेट है. देन आप टूल बार में जाके अपने फोटो को ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. या इसको हम सेव कर लेंगे. देन हम स्नैपसीड ओपन करेंगे. जैसे कि आप देख पा रहे हो उतना भी, हाँ ठीक ठाक, उतना रियल नहीं लग रहा है. बट जब हम इसका बैकग्राउंड ब्लर कर देंगे सो ये बहुत ही रियल लगेगा. वैसे तो आप पिक्सआर्ट से भी डायरेक्टली वहाँ पे ब्लर कर सकते हैं लेकिन पर्सनली मुझे स्नैपसीड का ये ब्लर ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है. सो मैं ऑलवेज स्नैपसीड ही प्रेफर करती हूँ. सो यहाँ पे अपने आप अपने ब्लर को भी इरेज कर सकते हैं. जैसे कि आपको अगर लगेगा कि यहाँ पे मुझे नहीं ज़रूरत है ये वाला, मैं इरेज करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाके आप अपने लेंस ब्लर को एकदम ज़ीरो कर देंगे और इरेज करने का ऑप्शन आएगा तो आप इसको इरेज कर सकते हैं. नहीं चाहिए तो फिर से 100 को डालकर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं. सो हो गया. देन फिर से आप ट्यून इमेज में जाके अपने पसंद से ब्राइटनेस वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं. और सबसे स्पेशल फीचर मुझे जो लगता है ये वाला ऑप्शन जो सिलेक्टिव है, इससे आप कहीं पे भी क्लिक करने से बस उसी पोर्शन का आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपनी टी शर्ट का ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट सब एडजस्ट कर सकती हूँ. और कहीं पे भी जैसे ये जींस का कलर फेड करना चाहो या ब्राइट करना चाहो अपने हिसाब से कर ले सकते हैं. ये वाला फीचर मेरा सबसे फेवरेट है. सो हो गया. देन यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स में जाके, ये जो पोर्ट्रेट बोल के है, पोर्ट्रेट में जाके आप अपने हिसाब से स्मूथ कर सकते हैं और यहाँ पे आईज़ का कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं. मैं हमेशा स्मूथ ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे अपना फ़ोटोज से स्मूथ अच्छा लगता है. बट अपने फ़ोटोज़ में आप ये स्पॉटलाइट भी डाल सकते हैं, फेस स्पॉटलाइट.
टोल्ड यू ना कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी है। होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।